एप्पल और सैमसंग के स्टूडेंट डिस्काउंट को अवेल करने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पास एक यूनिट ए वेरिफिकेशन आईडी हो। तो इस वीडियो के अंदर आप बात करेंगे यूनिट एस पे आपको स्टूडेंट वेरिफिकेशन कैसे करना है। सबसे पहले आपको यूनिट एस की वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ पे आते ही आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पे थ्री डॉट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ज्वाइन आएगा, लॉगिन आएगा। अगर आपकी पहले से आईडी है यूनिट एस पे तो आपको लॉगिन करना है, बट क्योंकि आप नए यूजर हो तो आपको किसमें करना है, ज्वाइन नाउ पे करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है जो भी आपका होगा। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ABCD, तो यही आईडी मैं यहाँ पे भी डाल देता हूँ, ABCD9580@gmail.com। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको एक पासवर्ड जनरेट कर लेना है, जो भी आपका पासवर्ड हो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, ये मैंने जैसे डाला यहाँ पे, फिर मैंने यहाँ पे चेक करना है। चेक करते ही यहाँ पे आपको ज्वाइन नाउ पे क्लिक कर देना है। अब ज्वाइन नाउ पे जैसे आपने क्लिक किया तो आपकी ईमेल आईडी रजिस्टर हो गई। अब यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ नाम आकाश। ठीक है, लास्ट नेम मैंने डाल दिया यहाँ पे सिंह। ठीक है, आकाश सिंह मैंने डाल दिया। यहाँ पे मैंने आपको वो करना है, जेंडर सेलेक्ट करना है मेल। फिर यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने डाला 25 जनवरी 2000। ठीक है, यहाँ पे आपने इतना डाला। उसके बाद यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूशन का नेम डालना है आपने। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी इंस्टीट्यूशन की, फॉर एग्जाम्पल मैं डालता हूँ यहाँ पे MET। तो मैंने जैसे यहाँ पे डाला MET यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपकी MET यूनिवर्सिटी होगी, नोएडा वाली होगी या कोई से भी होगी, तो जैसे यहाँ पे नोएडा वाली भी है तो मैंने उस पर क्लिक किया। ठीक है, तो यहाँ पे वो सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू पे कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पे आप आ गया कि वेरीफाई योर अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है अपना अकाउंट, यहाँ पे जिसमें आपको स्टूडेंट ईमेल आईडी डालनी है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोग बच्चों को यही आ रही है कि इंडिया में जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास स्टूडेंट ईमेल आईडी जो यूनिवर्सिटीज होती है वो प्रोवाइड नहीं करती, अनलाइक फॉरेन कंट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आती है वेरीफिकेशन करने में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको नीचे आना है। यहाँ पे देख सकते हो जो यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दे रखा है, डोंट हैव अ स्टूडेंट ईमेल, यहाँ पे आपको क्लिक करना है ट्राई अल्टरनेटिव मेथड पे। जैसे आपने यहाँ पे ट्राई अल्टरनेटिव मेथड पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको दो मेथड है जिसमें आप बहुत ही आसानी से अपनी वेरिफिकेशन कर सकते हो। सबसे पहला है कि आप अपने कॉलेज की जो आईडी कार्ड है वो डाल सकते हो। अब आईडी कार्ड में तीन चीजें मेंशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले आपका नेम, आपका ये जो डेट है, और उसके बाद आपकी जो नेम ऑफ यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज है वो। ठीक है, ये तीनों चीजें अमूमन आईडी कार्ड में मेंशन होता है। ठीक है, उसके बाद आप अपलोड ऑफ आईडी कार्ड कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास आईडी कार्ड भी नहीं है तो आपका जो एनरोलमेंट लेटर होगा आपने जब एडमिशन लिया है अभी, या फिर एडमिशन लेटर होगा, या फिर स्टेटस कन्फर्मेशन होगा, कुछ भी एक डॉक्यूमेंट जो आपने कॉलेज से लिया है एडमिशन के दौरान, वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो, जिस डॉक्यूमेंट के अंदर ये तीन चीजें लिखी हुई, आपका नाम, डेट जब आपने कब एडमिशन लिया था, और नेम ऑफ योर यूनिवर्सिटी। ठीक है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे और आपको कंटिन्यू करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कॉलेज आईडी पे क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पे मेरे को नीचे कंटिन्यू करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा, यहाँ पे देख सकते हो फ्रंट साइड ऑफ का कार्ड और बैक साइड ऑफ द कार है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और इसे अपलोड कर देना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरा यहाँ पे गैलरी खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो खुल गया फाइल, अब यहाँ से मेरे को अपलोड कर देना है। ठीक है, तो ये आपको कर देना है। ठीक है, जैसे आप अपलोड करोगे, ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल भी देख सकते हो, इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, जैसे ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। ठीक है, तो ये जैसे ही आप अपलोड करोगे वैसे ही आपका फिर ये विद इन 48 आवर्स के अंदर ही आपका जो वेरीफिकेशन है वो आपकी जो ईमेल आईडी आपने डाली थी उस पर आ जाएगा, और आपके जो स्टूडेंट अकाउंट है वो आपका वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूनिटी के अपना स्टूडेंट आईडी अवेल कर सकते हो और अपने जो अकाउंट है उसे वेरीफाई कर सकते हो, ताकि आप एप्पल या फिर सैमसंग के जो डिस्काउंट चल रहे हैं उनके डिवाइसेस पे, टैबलेट्स पे और मैकबुक पे, वो आप इंजॉय कर सको। ठीक है, तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करना, मैं आपको जरूर उसका आंसर दूंगा।